मित्रों नमस्ते, आप सबों को बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की भी आज भाई दूज है, चित्रगुप्त पूजा है, अन्नकूट है, इन सभी पर्वों की बहुत शुभकामनाएं। देश में भी बहुत शुभकामनाएं सबों को। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था जिस पर मित्रवर डॉक्टर पात्रा ने कुछ चर्चा की है, लेकिन इसको कुछ और विस्तार से आपके सामने रखना है क्योंकि देश हित में है, उन्होंने रखा है। ये जो इलेक्शन हो रहा है कश्मीर में, हमको आज कांग्रेस से बहुत सवाल पूछना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो गुपकार डिक्लेरेशन ऑफ पीपल अलायंस है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए साथ चल रहे हैं, 10 पार्टियां हैं जिसमें प्रमुख रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है, अब कांग्रेस भी उसमें आ रही है। इनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना रद्द होना चाहिए और आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना चाहिए। और कुछ तो इस सीमा तक चले गए कि आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने के लिए हमें चीन का भी हेल्प लेना पड़े तो हम लेंगे। फारूक अब्दुल्ला, पिछले मैं स्टेटमेंट लेकर के बैठा हूं, मिस्टर फारूक अब्दुल्ला हैज नो कंपंक्शन इन सीकिंग द सपोर्ट ऑफ चाइना फॉर रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। और महबूबा मुफ्ती जी का स्टेटमेंट है, वोंट होस्ट फर्स्ट ट्राइकलर अनलेस जेएनके फ्लैग इज रिस्टोर्ड। ये महबूबा जी का स्टेटमेंट है। होप आर्टिकल 370 रिस्टोर्ड इन वैली विद चाइनाज हेल्प, फारूक अब्दुल्ला, और won't hoist tricolor until JNK flag is allowed। तो तिरंगा नहीं जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं, और धारा 370 को पुनः स्थापित करने के लिए हम चीन का भी सहयोग लेंगे। ये है इन दोनों के पब्लिक स्टैंड। इस पर मैं कुछ टिप्पणी करूं, उसके पहले मुझे आज देश को दोबारा रिमाइंड करने की जरूरत है कि आर्टिकल 370 के हटने से क्या क्या हुआ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री टू रिकॉल अगेन एज टू व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ एनलमेंट ऑफ आर्टिकल 370। और देखिए ये पूरा ऑफिशियल गजट मेरे पास है जो आर्टिकल 370 को हटाने का जो पास हुआ था बिल। और आज मैं देश को स्मरण करना चाहता हूं कि इसमें एक टेबल वन था, फिफ्थ शेड्यूल, और उसमें क्या लिखा हुआ था, सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। जो सेंट्रल लॉ को हमने अप्लाई किया था, ये मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, जो लोग करप्शन करके अपनी जमीन दूसरे के नाम पर रखते हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज लेने को मना करने का कानून, और तीसरा देखिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट, जो शौच को माथे पर लेकर चलते हैं उसको भारत में बैन किया गया। यह कानून भी नहीं लागू था जम्मू एंड कश्मीर में, और वहां पर हमारे सफाई मजदूर को यह मजबूरी में करना पड़ता था, इसको बैन किया था। अब आप देखिए, जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट बच्चों के लिए, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट,
1988, the Price Cheat and Money Circulation Scheme Banning Act, Ponzi Scheme, उसको भी बैन किया था. Prohibition of Child Marriage Act, Protection of Children from Sexual Offence Act 2012, Protection of Human Rights Act, Schedule Caste Schedule Tribe Atrocity Act 1989 वगैरह वगैरह. ये सभी कानून मानवतावादी कानून है. ये सभी कानून देश के पीड़ित बच्चे हों, सफाई कर्मचारी हों, हमारे दलित बंदी हों, बंधु हों, हमारे मजदूर हों, उन सबों को बचाने के लिए. मेरा पहला सवाल यह है गुपकार डिक्लेरेशन के लोगों से कि जब आप आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करते हैं तो आप चाहते हैं कि ये सारे कानून कश्मीर में नहीं लगे. आप चाहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगे ताकि कश्मीर के नेता जो भ्रष्टाचार करते हैं वो चलता रहे. आपको मालूम है ना कि कश्मीर में रिजर्वेशन का लाभ SC/ST को गंभीरता से नहीं मिलता. आपको मालूम है कि कश्मीर में मंडल कमीशन का भी बेनिफिट वहां के पिछड़ों अति पिछड़ों को नहीं मिलता. और देश को यह जानना जरूरी है कि कश्मीर में बड़ी संख्या में SC हैं, ST हैं, मल्लाह जाति के लोग हैं. मैं गया हूं कश्मीर में, मैंने काम किया है. ये जो पूरा डल लेक के आसपास बड़ी संख्या में हमारे निषाद भाइयों का वहाँ संख्या रहती है, जो गुज्जर हैं, जो बकरवाल हैं, इनको कोई लाभ नहीं मिलता. तो क्या इन सबों को दोबारा इस लाभ से छीनने की कवायद हो रही है क्या? द BJP वुज लाइक टू नो दैट व्हेन द गुपकार डिक्लेरेशन अलायंस टॉक्स ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, दे सिंपली मीन दैट दीज लॉज शुड हैव नो एप्लीकेशन फॉर द पुअर डिप्राइव्ड पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. रिप्लाई टू इट फर्स्ट. दूसरा सवाल है कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की दो अगली हकीकत, क्रूर हकीकत, टू अगली फेसेस ऑफ JNK, भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए, जो कश्मीर में रह गए उनको वोट देने का अधिकार तो भूल जाइए, उनको मकान खरीदने, जमीन खरीदने का भी अधिकार नहीं है, और जो वहां से निकल के पंजाब से आगे बढ़ गए वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हो गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड IK गुजराल, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हो गए LK अडवाणी. तो कितनी बड़ी क्रूर नियति थी कश्मीर की, दैट पीपल हु वेयर फोर्स्ड बाय सर्कमस्टेंसेस टू स्टे इन JNK वेयर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक राइट्स अवेलेबल देयर. और आपको मालूम है कि बहुत से लोग पंजाब आ गए थे तो नेहरू जी के आग्रह पर शेख अब्दुल्ला उनको वापस ले गए थे, तुमको हम जगह देंगे वहां. मैं उन कैंपों में खुद गया हूं और वो 1950 के ही आकार में रहते थे. जब भी देने की बात होती थी लोग विरोध करते थे. और दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है, मैंने संसद में इस पर बोलते हुए अपनी बात कही थी, आज मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जम्मू कश्मीर की एक क्रूर हकीकत है कि अगर जम्मू कश्मीर की एक मुस्लिम बेटी भी किसी दिल्ली या पंजाब के मुसलमान नौजवान से शादी करती थी तो अपने सारे संपत्ति के अधिकार से महरूम हो जाती थी. अगर कोई जम्मू की हिंदू बेटी भी जम्मू कश्मीर के बाहर शादी करती थी तो वो भी अपने पिता के अधिकारों से बेदखल हो जाया करती थी. Therefore, an ordinary woman born either as a Muslim or as a Hindu in the state of Jammu and Kashmir, if she married a Muslim or a Hindu outside the geographical boundary of JNK, then she forfeited all her right in the property of her father. आज हमने उसको रिस्टोर कर दिया है. आपको मालूम है
आज लोगों को वहां रहने का अधिकार मिल रहा है, लोगों को बसने का अधिकार मिल रहा है, लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार मिल रहा है। और ये गुपकार डिक्लेरेशन के लोग एक चीज बताएं कि जम्मू कश्मीर में उद्योग क्यों नहीं आया, क्योंकि उद्योग के लिए जमीन चाहिए। बाहर के लोगों को जमीन नहीं मिलती थी, और जमीन किसको मिलती थी, जिसका बहुत क्लोज रिश्ता होता था वहां की रूलिंग फैमिली से। आपको पता ही है, कई हमारे पास एग्जाम्पल हैं। तो गुपकार डिक्लेरेशन के लोगों से एक सवाल, आर्टिकल 370 को वापस करने की मांग के पीछे आप जम्मू कश्मीर को संकीर्ण कंजर्वेटिज्म में ढकेलना चाहते हैं। आप वहां की बेटियों और बहनों के साथ नाइंसाफी करना चाहते हैं। आप वहां के सफाई कर्मचारी, वहां के बच्चे जिनको सेक्सुअल ऑफेंस के खिलाफ कानून है, दहेज से पीड़ित बेटियां और बहनें, उनके अधिकार को छीनना चाहते हैं। ये देश के सामने आना बहुत जरूरी है। और ऐसे लोग जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम इसके रेजोल्यूशन की चाइना से मदद लेंगे। ये बिल्कुल देश विरोधी गतिविधियां हैं, और भाजपा की ओर से हम इसका पूरा प्रतिकार करते हैं। इसके बाद अब हमें सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं, हालांकि आजकल कांग्रेस पार्टी में सभी लोग खामोश हैं, तो किससे पूछें इसका ज्ञान हम आप लोगों से प्राप्त करेंगे, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से ही पूछ रहा हूं। देखिए, उनके प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट आज छपा है देश के बड़े अखबार में। पीसीसी प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर, हु वॉज एट फारूक्स रेजिडेंस ऑन संडे, रिटरेटेड कांग्रेस कमिटमेंट टू द पीएजीडी, दैट मींस प्रोग्रेसिव अलायंस अगेंस्ट फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है हुआ, विच मेनी हैड डाउटेड अंटिल द पार्टी पार्टिसिपेट इन इज फर्स्ट मीटिंग ऑफ द अलायंस लास्ट वीक, एलेइंग फियर्स the alliance might disintegrate over seat sharing. Mr. Meer appealed to voter across J&K to step out and cast their votes in the maiden DDC elections. So Congress party bhi inke saath khadi ho gayi hai. Shrimati Sonia Gandhi, Shri Rahul Gandhi, kripya saaf saaf bataiye Congress party article 370 ko dobara restore karne ke saath hai? Kya Congress party chahti hai कि धारा 370 को दोबारा बहाल किया जाए? मैडम सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, प्लीज टेल द नेशन क्लियरली एंड कैटेगोरिकली, डज द कांग्रेस पार्टी वांट द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन द ओरिजिनल फॉर्म? डज इट मीन द कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू सपोर्ट द एनलमेंट ऑफ ऑल द प्रो पीपल एंड प्रो पुअर लॉज being made applicable to J&K by the parliament which debated it thoroughly? Congress party ko desh ko ek jawab dena padega. Number 2, kya Congress party Farooq Abdullah ke us statement ka samarthan karti hai ki dhara 370 ko wapis lane ke liye hum China ka samarthan lenge? Number 3, kya Congress party उस वक्तव्य का समर्थन करती है महबूबा जी के कि जब तक J&K का झंडा हमें फहराने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम तिरंगा नहीं फहराएंगे? ये जबरदस्त देश विरोधी बातें हैं, और कांग्रेस पार्टी जवाब दे इसका। उनके प्रदेश के अध्यक्ष वहां पर बैठे हैं उस अलायंस में, तो हम चाहेंगे कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, ये बहुत जरूरी है। एक बात मुझे अंतिम बात कहनी है, महबूबा जी का एक स्टेटमेंट है उससे मुझे बहुत पीड़ा हुई है। मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, उनका स्टेटमेंट है ये 24 अक्टूबर। शी एडेड
that the central government has desecrated the Constitution of India to push Bharatiya Janata Party manifesto promise of doing away with Article C-70. क्या मतलब है इसका? संसद में दोनों सदनों में बहसें हुई, संविधान का संशोधन हुआ, उसमें कश्मीर की पार्टियों ने भी पार्टिसिपेट किया, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री प्रोसेस से हुआ, और उसको कहना कि संविधान के साथ मजाक किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है भाई? ये कौन सी सोच है? हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। इफ यू आर सो ग्रॉसली डिसरेस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री प्रोसेस एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ बाय कॉलिंग इट डेसिक्रेशन, देन आई कैन ओनली टेल यू योर बिलीव इन योर बिलीफ इज इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कम्स अंडर क्लाउड। ये बात हम जरूर कहना चाहेंगे। तो मित्रों, ये बातें देश के लिए आनी बहुत जरूरी थी और कांग्रेस पार्टी के सामने ये सवाल उठाने बहुत जरूरी थे। कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, और हम कांग्रेस पार्टी को बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी से ये सवाल पूरे देश में पूछा जाएगा। कांग्रेस पार्टी जवाब दो, गुपकार डिक्लेरेशन का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है आप उसके साथ हैं? आप धारा 370 को समाप्त करने के वापिस लाना चाहते हैं? क्षमा करेंगे, यू वॉन्ट आर्टिकल 370 बैक? और आप फारूक अब्दुल्ला और महबूबा जी के वक्तव्यों के साथ हैं जो कहते हैं कि हम चीन का भी समर्थन लेंगे धारा 370 को वापस लाने में, और जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं मिलेगा हम भारत का तिरंगा नहीं लहराएंगे? ये गंभीर सवाल है, कांग्रेस पार्टी से हम इस जवाब की अपेक्षा करते हैं और ये हम पूरे देश में सवाल उठाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। पहले देश की बात तो करें। एनी अदर क्वेश्चन? आप ऐसा है, कांग्रेस पार्टी किसके साथ इलेक्शन लड़े उनका अधिकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर मुद्दों का तो सवाल हम करेंगे ना। वो धारा 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं, मैंने बताया आपसे उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, आप मैंने इतना विस्तार से समझाया है, इसलिए उनका जवाब देना है और उनके दोनों नेताओं का जो टिप्पणी है उसका भी जवाब देना है। These are matters of investigation. PFI has always been suspect on its commitment to country's security. This question should be posed to those who see PFI as a voluntary organization for young people. Sir, भाजपा ने महबूबा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, कोई अफसोस आपको खेद है? छोड़ भी दिया ना, हमने राष्ट्र के सुरक्षा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर कोई समझौता नहीं किया, आप जान लें, और ना धारा 370 को हटाने के अपने कमिटमेंट पर हम झुके, और जब बात नहीं बढ़ी तो हमने कहा ठीक है नमस्ते। और आज मैं ये बताना जरूरी है कि महबूबा जी की पार्टी के साथ हमारे रिश्ते इसलिए बने कि पूरे जम्मू में हम जीते थे और ऊपर वो जीती थी, एनसीपी कांग्रेस का सफाया हुआ था, तो उस लोकतंत्र के बाद एक सरकार के लिए हम गए जिस पर मुद्दे बने थे, और जब देखा कि उनके हृदय कुछ और है, हमने कहा नमस्ते कर दिया उनको। बिल्कुल सर, जगदानंद सिंह की आरजेडी बिहार प्रेसिडेंट है, सेड दैट एनडीए हैज रेप्ड द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ बिहार, इंस्टेड दैट आफ्टर रेपिंग अ चाइल्ड इज बॉर्न, दैट इज नीतीश कुमार एंड ही इज टेकिंग ओवर टुडे, हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, पहली बात, आज के दिन मैं बिहार के नीतीश कुमार जी और सारे शपथ देने वाले मंत्रियों को अभिनंदन करूंगा, अपनी शुभकामनाएं दूंगा। अब कुछ लोग हार की हताशा में टिप्पणी करते हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि बिहार की जनता ने एक इम्फैटिक मैंडेट दिया है, इम्फैटिक मैंडेट 125,
क्लियर कंफर्टेबल मेजोरिटी, वो भी चौथी बार। नीतीश जी पांचवी बार मुख्यमंत्री के लिए आ रहे हैं, बीच में दो बार और आए थे कुछ समय के लिए, तो सातवीं बार। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो नीतीश कुमार जी की सरकार का काम और नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट कि बिहार का विकास देश के लिए जरूरी है। तो महिलाओं ने, हमारे अति पिछड़ों ने, गरीबों ने, उन सबों ने अपनी आवाज रखी है। और ये बात इसलिए बताना जरूरी है कि जो हमारे कुछ पत्रकार मित्र दिल्ली से जाते हैं, कुछ लोग एग्जिबिट कॉल करते हैं, वो उनकी बात नहीं सुनते जो साइलेंट है। तो उन्होंने बूथ पर बोला, रिजल्ट सामने आया। अब महागठबंधन के एलाइज के आपस के बातचीत और ट्रुथ में मुझे कोई कमेंट नहीं करना। राहुल गांधी के बारे में बहुत पहले बोल चुका हूँ, आज कश्मीर का मुद्दा इम्पोर्टेंट है, दैट्स ऑल। ये सवाल आप उनसे पूछिए, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। डू दे वॉन्ट इंटरवेंशन ऑफ चाइना इन इंडिया अफेयर्स? क्या वो चाहते हैं कि चाइना को कश्मीर में बुलाया जाए? तब तो जो भी साख है वो भी खत्म हो जाएगी और ये मंसूबा कभी सफल नहीं होगा, ये हम साफ साफ कहना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसलमेर में विस्तार से कहा है कि विस्तारवादी किसी ताकत को जबरदस्त जवाब दिया जाएगा, तो सामने कहा जा चुका है। अब आपका आपका बहुत कुछ सवाल हो गया, चलिए धन्यवाद। चलिए ऐसा है, आज के दिन सबों को शुभकामना देने दीजिए, मंत्री और मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद। चलिए चलिए, तुम्हारा नाम क्या है?